नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज डॉट इन में और मैं हूं जिज्ञासा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। बिहार में सरकारी कर्मियों की बल्ले बल्ले, घर बनाने को सरकार देगी 25 लाख तक लोन। कैबिनेट ने 15 एजेंडों पर लिया फैसला। नालंदा के हिलसा में बनेगा रेल थाना। मेडिकल की तैयारी में लगे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, बिहार के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी 160 सीटें। सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दी जानकारी। रामविलास पासवान के बेटे चिराग बनेंगे दूल्हा, लाइव सिटी से बातचीत में किया खुलासा। चिराग बोले, तेजस्वी से पहले करेंगे शादी, मम्मी पापा पसंद करेंगे दुल्हन। सीएम नीतीश कुमार 24 मई को जाएंगे जोकीहाट। जेडीयू प्रत्याशी मुर्शीद आलम के लिए करेंगे प्रचार। जोकीहाट उपचुनाव की 28 मई को है वोटिंग। तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज से है मुकाबला। लालू परिवार को तंग कर रही केंद्र सरकार, सांसद मीसा भारती ने लगाया आरोप। राज्य सरकार भी कर रही है परेशान, साजिशों से हम लोग डरने वाले नहीं। नवनिर्वाचित एमएलसी मंगल पांडे ने ली शपथ, उपसभापति हारून रशीद ने दिलाई शपथ। नीतीश कुमार सुशील मोदी रहे मौजूद, मंगल पांडे अभी हैं स्वास्थ्य मंत्री। नीतीश सरकार पर बरसी पटना की मेयर सीता साहू, नियम के अधिकारों में कटौती का लगाया आरोप। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा से की मुलाकात, बीजेपी के खेमे से आती हैं मेयर सीता साहू। जहानाबाद में बैंक पीओ की गोली मारकर हत्या, अरवल में कार्यरत थे आलोक चंद्रा। पारसबीघा थाने क्षेत्र में बदमाशों ने की वारदात, बैंक का काम नहीं होना घटना का मुख्य कारण। बिहार पहुंचा शहीद राजेश सिंह का पार्थिव शरीर, बेगूसराय के बीहट में अंतिम संस्कार। नक्सली हमले में शहीद हुए थे राजेश, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुआ था हमला। गुजरात में दलित की हत्या पर बरसे श्याम रजक, जदयू नेता ने केंद्र सरकार पर दागे सवाल। नरेंद्र मोदी के प्रदेश में ये क्या हो रहा है, बोले यही स्थिति रही तो देश भर में होगा आंदोलन। तो ये थी आज की दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आप देखते रहिए लाइव सिटीज डॉट इन।